तो जल्दी आप सभी के स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं एंड गाइस आप परचेस करने वाले हैं काफ़ी सारी नोटबुक्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासमेट की तरफ से आने वाली इंटरेक्टिव सीरीज़ को। इस सीरीज़ में गाइस काफ़ी यूनिक चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, ओरिगामी सीरीज़ आती है, कुछ क्राफ्ट की सीरीज़ आती है। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये एक्चुअली नोटबुक्स ऑफर क्या करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी नोटबुक्स को गाइस डिटेल में देखने वाले हैं, कंपेयर करेंगे एंड आपको हमारा फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि क्या आपको नोटबुक के साथ जाना चाहिए। तो मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज़ बेस्ट टीचिंग कंटेंट। तो गाइस यहां आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारी नोटबुक आ चुकी हैं। सबसे पहले यहां पे मेरे पास है एआर नोटबुक्स, बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी पे जो बेस्ड होती है, इनको स्कैन करके आप इसका 3D व्यू देख पाएंगे कैसे आगे देखते हैं। देन मेरे पास है गाइस कुछ यहां पे 3D क्राफ्ट वाली नोटबुक। अब इनमें गाइस कुछ आई गेस पेपर होंगे जिनका यूज करके आप कुछ 3D क्राफ्ट बना पाएंगे। देन मेरे पास आ गई है गाइस यहां पे ओरिगेमी नोटबुक, तो इनमें कुछ इस टाइप के पेपर्स दिए हैं जिनसे आप इस टाइप की ओरिगेमी बना पाएंगे एंड यहां पे ये सेट मेरे पास अवेलेबल है। एंड बात करें अगर प्राइसिंग की गाइस, तो यहाँ पे हमको ओरिगामी सीरीज पड़ती है 200 रुपीज़ की 4 नोटबुक, यहाँ पे 220 की 4 एंड यहाँ पे 240 की 4। तो बेसिकली यहाँ 50 रुपीज़ पर नोटबुक प्राइस पड़ता है ओरिगामी का, यहाँ पे 55 रुपीज़ इंटरेक्टिव सीरीज वाली का एंड गाइस यहाँ पे एआर वाली का आपको पड़ता है 60 रुपीज़ पर नोटबुक प्राइस। तो यार सबसे पहले मैं ओरिगामी सीरीज को अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो कुछ इस टाइप की नोटबुक दिखती है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक पैकिंग दी गई है, ओके इसको हम हटा देते हैं एंड यहाँ पे कुछ इसी प्राइसिंग के बारे में डिटेल्स है, आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं पूरा। देन यहाँ पे आ गई है हमारी नोटबुक्स, ओके तो ये 4 का सेट है। अब आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ इस टाइप से सबसे पहले हमको मिलता है क्या, एक यहाँ पे बटरफ्लाई है मेरे पास। देन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है गाइस एक सी लायन, ओके इसके बाद है मेरे पास एक ब्लू व्हेल एंड लास्ट में हमारे पास है एक टर्टल। तो गाइस ये 4 आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस इसके अंदर देखने को। अगर बात करें गाइस इनकी डायमेंशन की, तो यहाँ पे आपको सारी नोटबुक 24x18 के साइज में देखने को मिल जाती है एंड फॉर कंपेरिजन यहाँ पे मेरे पास एक A4 शीट है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर लगभग ये A4 शीट इससे इतनी बड़ी जाती है। तो नोटबुक को ओपन करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है काफ़ी अच्छी, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हमने किया ओपन, तो यहाँ पे टर्टल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको दिए गए फोल्डिंग इंस्ट्रक्शन फॉर टर्टल, तो यहाँ पे आपको QR कोड दिया गया, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास येलो कलर का डिवाइडर है पेज, ओके इसको हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे नॉर्मल इंडेक्स एंड पेज हमेशा की तरह क्लासमेट के काफ़ी स्मूथ होते हैं। ये वाला अनरूल्ड वर्जन है, आपको इसका सिंगल लाइन रूल्ड वर्जन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अनरूल्ड इसका वर्जन मंगाया है, कुछ इस टाइप की पेज क्वालिटी है। इस पर लिख के भी हम देखने वाले हैं एंड लास्ट में हम देखते हैं क्या है। लास्ट में अगेन गाइज यहाँ पे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये बचपन में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था यार, काफ़ी GK हमको इससे मिलता था DDU से, तो कि यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड इसके आगे हम करेंगे तो अगेन आपको एक येलो शीट मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको दिए गए हैं फोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली ये जो शीट है ये ओरिगामी शीट है, यहाँ पे आपको कट दिए गए हैं, इसको आप टियर कर सकते हैं एंड देन गाइस इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप अपना टर्टल इससे बना पाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एंड अगर बात करूँ हमारे इस QR कोड की, तो उसको भी हम स्कैन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा कैमरा आ गया है एंड गाइस मैंने इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन किया एंड जैसे स्कैन किया तो यहाँ पे एक लिंक पॉपअप हो गई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके तो ये हमारा एड्रेस ओपन हो गया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं गाइस ये बोल रहा है ओप्स द पेज इज एम्प्टी। तो गाइस क्लासमेट यू नीड टू वर्क ऑन दिस, यहाँ पे स्कैन करने में कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं एक iOS डिवाइस या फिर Apple डिवाइस से भी स्कैन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा iPhone आ गया, यहाँ पे मैंने इसको स्कैन किया तो यहाँ पे कुछ लिंक आ रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अगेन गाइस मुझे सेम मैसेज आ रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ओप्स द पेज इज़ एम्प्टी। तो अगेन बोथ ऑन एंड्रॉयड एंड iOS ये नहीं खुल रहा है, तो बेटर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके जो पीछे इंस्ट्रक्शन दिए गए ना उनको ही यूज़ करके इसे ओरिगामी अपना बनाएं। तो गाइस अब इन पे कुछ पेन्स यूज़ करके देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पे वो पेन्स है जो आप डेली लाइफ में जनरली यूज़ करते हैं। सबसे पहले है यूनिबॉल का i5, तो यहाँ पे 0.7 mm निप साइज है। देन मेरे पास है गाइस V7, तो यहाँ पे अगेन 0.7 mm का हमें रोलर बॉल पेन देखने को मिलता है। उसके बाद मेरे पास अवेलेबल है गाइस V9 पेन, जो कि आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा स्मूथ एंड कितना ज़्यादा वेट पेन है एंड लास्ट में आई हैव सम हाइलाइटर्स। तो अगर इनमें सी थ्रू नहीं मिला तो गाइस इनके नीचे जेल पेन्स वगैरह में तो ये आराम से पास हो ही जाएगा। स्टार्टिंग में तो यूनिबॉल आए, तो यहाँ पर मैं लिख के देखता हूँ Uniball i, देन हमारे पास है पायलट का V7, तो दिस इज द पायलट V7 एंड गाइस लास्ट में हमारे पास आ गया है हमारा V9 पेन, तो दिस इज द पायलट V9 पेन एंड गाइस यहाँ पे मेरे पास कुछ हाइलाइटर्स भी हैं फ्रॉम स्टेबिलो, तो उनको भी मैं टच करके देखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने हाइलाइटर यूज़ किया
यहाँ पे मेरे पास यूनिबॉल की तरफ से आने वाले भी एक हाइलाइटर है, उसको भी मैं यूज़ करता हूँ। तो गाइस अब इनका सी थ्रू चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो सी थ्रू है हमारे जो रोलर बॉल पेंस थे यूनिबॉल और पायलट के, उनका तो इतना नहीं दिख रहा है, फिर भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो पायलट का वी साइन है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे हाइलाइटर्स थे, ब्लीड एज इन जो है ब्लीड मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इस पर जेल पेंस यूज़ करते हैं या फिर 0.5 mm के रोलर बॉल पेंस यूज़ करते हैं ना, तो आप इस पर ईजिली दोनों साइड लिख पाएंगे। जो पेज GSM यहाँ पे है वो यहाँ आप देख सकते हैं, एज सच कुछ मेंशन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगेन गाइज मुझे ये लगभग 65-70 GSM के बीच का पेज फील हो रहा है। ये रहे इसके दूसरा वाला वर्जन। अगर आप वेल में देखेंगे गाइज, तो वेल में भी अगेन आपको यहाँ पे एक येलो पेपर मिलता है, एंड यहाँ पे पीछे आप देखते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं जिनसे आप वेल अपनी बना पाएंगे। एंड सेम इज़ द केस विद सी लायन, तो यहाँ पे भी अगेन आपको मिलेगा एक येलो पेपर जिसको टियर करके आप अपनी ओरिगैमी बना सकते हैं। अब आते हैं अगली नोटबुक पे, जो कि है 3D क्राफ्ट सीरीज। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी क्राफ्ट सीरीज आ गई है, ये कुछ इस टाइप से दिखती है। इसको ओपन करते हैं, जब इनको पेपर कटर से ओपन करें गाइज, तो ज़्यादा हार्शली ना चलाएं, नहीं तो हो सकता है आपकी नोटबुक ही कट हो जाए। मैंने बहुत लाइटली इसके ऊपर पेपर कटर लगाया था, मैं तो रिकमेंड करूँगा आप नॉर्मल अपने नेल्स का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो अगेन यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक फायर क्रैकर वाली नोटबुक है, देन गाइज यहाँ पे मेरे पास है मिर्ची बॉम करके कोई चीज़, देन आई हैव दिया होल्डर बनाने की टेक्निक ग्रेट, एंड लास्ट आई हैव अ मिठाई बॉक्स। तो देखते हैं ये कैसे हम बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द दिया होल्डर, तो यहाँ पे इनको मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पे अगेन आप देखेंगे तो डायमेंशन सेम है 24x18। यहाँ पे मेरे पास इसका रोल्ड वर्जन अवेलेबल है, पेज क्वालिटी भी सिमिलर ही है, तो उसमें हम वापस टेस्ट नहीं करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ कलर्ड पेपर मिलता है स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पे हमारा इंडेक्स है। मैं आप लोगों को एक बार ट्राई करके भी बता देता हूँ। तो गाइस इस पेपर को मैं यहाँ से टियर कर लेता हूँ सबसे पहले, तो जैसा आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर पेपर आ गया है। आते हैं हमें इंस्ट्रक्शन पे, तो भाई यहाँ पे बोला है कि क्रीजेस बना लें, देन फोल्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रीजेस आप देख सकते हैं बन चुकी हैं इस टाइप से, देन हमको बोला गया है हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना है, देन हमको कुछ क्रीजेस यहाँ पे बनानी है। ओके ये भी हो चुका है, देन हमें ये जो ट्रायंगुलर पॉकेट है इसको इनवर्ट डालना है कुछ इस टाइप से, देन हमें बोल रहा है गाइस कुछ ऐसा बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस यहाँ जो दिया है मैंने स्टेप्स फॉलो किए, एंड टिल 8 या 9 तक मैं इनको फॉलो कर पाया, एंड कुछ इतना मुझसे दिया होल्डर बन गया है। अब ज़्यादा मैं इसके आगे नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना, एंड बनाना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, बट आप गाइस अगर इसको ध्यान से देख के करेंगे तो आई गेस ट्राई कर पाएंगे। मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कितने लोगों का दिया बना है। एंड ऐसे ही गाइस आप इनका यूज़ कर करके एक दिया होल्डर बना सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ मिर्ची बॉम बना सकते हैं, कुछ यहाँ पे आपके पास फायर क्रैकर ऑप्शन है, एंड यहाँ पे एक मिठाई बॉक्स है। तो भाई इनको यूज करके बनाइए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप लोग सक्सेसफुल हुए या मेरे जैसा ही बना पाए। अब आते हैं हमारी लास्ट सीरीज पे, जो कि है AR सीरीज गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ काफ़ी हैवी ड्यूटी पैकिंग में आई है इसका, जो प्लास्टिक का मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है वही अलग है। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगेन गाइस आप कुछ डिटेल्स देख पाएंगे इनके बारे में। 60 rupees पर पीस नोटबुक पड़ती है, तो कुछ इस टाइप से हमको देखने वाली ये नोटबुक्स मिली हैं। मैं सारी अनफोल्ड करता हूँ, एंड गाइज यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। एंड इस नोटबुक की अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे ना, तो यहाँ पे पूरा मैट फिनिश में मिलता है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। एंड यहाँ पे जो आपको प्लैनेट्स दिखते हैं वो बेसिकली आपको ग्लॉसी फिनिश में दिखते हैं। देखिए आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, तो काफ़ी प्यारा फिनिश है ये, काफ़ी अच्छा मुझे कवर लगा। डेफिनेटली जो पैसे बढ़ाए हैं उनसे वो इस प्रिंटिंग के लिए भी बड़े होंगे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग लगी। यहाँ पे पीछे डिटेल्स हैं, और भी अगर आपको मैं दिखाऊँ तो देखिए 16 सिस्टम यहाँ पे आ गया, ये एक इमेज है, देन ये दूसरे टाइप की इमेज यहाँ पे दी गई है। देन अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे अगेन 16 सिस्टम का एक और लुक आपको दिया गया है, एंड लास्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बीच में एस्ट्रोनॉट है, एंड बाकी सारे प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं। साइज़ इस नोटबुक का भी बाकी नोटबुक जैसा 24x18 सेंटीमीटर ही है। अगर हम बात करें पेजेस की, तो अगेन 172 पेजेस हैं। यहाँ पे रूल्ड लाइंस मुझे देखने को मिलती है, अनरूल्ड भी आपको मिल जाएगी। पीछे आप देखेंगे तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशनड है। एंड गाइस मैं इसको स्कैन करता हूँ, देखते हैं क्या ये AR काम करता है। तो ये आया मेरा फ़ोन गाइस, यहाँ पे मैंने इसको स्कैन किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने इसको स्कैन किया, तो आपको एक कुछ येलो लिंक दिख रही होगी, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ आप देख सकते हैं गाइस ये पेज ओपन हुआ। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं, तो मैं डिटेल्स मेरी एंटर करता हूँ एक बार, एंड देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया नेक्स्ट। ओके तो आप देख सकते हैं 1 moment ये बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप अपनी बाकी डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ एंड जैसे ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, यूज़र हैज़ ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है, यहाँ पे मैं गूगल से वापस ट्राई करता हूँ तो अगेन ओटीपी तो आ रहा है बट यहाँ पे मुझे ओटीपी कहीं एंटर करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सेम चीज़ का इसमें एंड्रॉइड से भी ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको स्कैन किया एंड यहाँ पे एक लिंक ओपन हुई है तो उसको मैंने ओपन किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन डिटेल्स पूछ रहा है, तो मैं वापस साइन इन करता हूँ ओके। प्रोफाइल तो यहाँ पे प्रोफाइल कम्प्लीट बता रहा है, कंटिन्यू मैं इसको करता हूँ तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं एरर यूज़र हैज़ नो यूज़र वेंडर ऐसा कुछ इसमें एरर आ रहा है, ठीक है तो यहाँ पे ये साइन अप नहीं हो पा रहा है। तो अगेन गाइस इफ क्लासमेट यू आर वॉचिंग दिस तो इस इशू को रिसॉल्व करें कि यहाँ पे ये क्यों नहीं चल रहे हैं बारकोड एंड आई गेस एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट से ये काम करने लगेंगे विद नो प्रॉब्लम्स। अंदर आप देखेंगे गाइस कुछ टाइप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कंसोला सिस्टम सेम नोटबुक है एंड अगर हम आए एंड में तो यहाँ पे अगेन डिड यू नो आपको एक मिल जाता है हमेशा की तरह कुछ काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे आपको मिलता है माई क्लास में, तो यहाँ पे कुछ आई गेस आपको ये जो ऐप है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको ऐसा ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड हो गया है, इसको हम करते हैं गाइज ओपन, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ऐप दिखता है ओके। माई क्लासमेट इंजॉय लर्निंग, कुछ म्यूजिक भी है इसमें ठीक है। नेक्स्ट 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 ओके, यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डालता हूँ तो मैंने गेट ओटीपी पे क्लिक किया है यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे मैंने मेरी डिटेल्स डाली हैं बट आई गेस ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, सर्वर आई गेस स्लो होगा, तो आप लोग इसको यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड करके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो गाइस ये थी ओवरऑल हमारी 3 नोटबुक जिनको हमने रिव्यू किया ना, आपको सारी डिटेल दी, तो आई होप आपको काफ़ी आसानी होगी अब इनमें से एक नोटबुक पिक करने में। अगर आप मेरा वर्डिक माने तो ये काफ़ी अच्छी नोटबुक है, काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है क्लासमेट का, तो यहाँ पे आप ओरिगैमी भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हो सकता है आई गेस एंड यहाँ पे पर्सनली जो मेरा फेवरेट था वो था ये क्लासमेट का इंटरेक्टिव सीरीज स्पेशली इसके कवर की वजह से। अगर आप इसका ओवरऑल टेक्सचर देखेंगे ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा, बहुत ही प्रीमियम है, टच करके ही आप समझ पाएंगे कि कैसा लगता है। देन ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि क्या ओरिगेमी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी तो मैं कहूंगा कि यार इतना कुछ ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट नहीं है। तो अगर आपको इसे सस्ते में नोटबुक्स मिलती है जिनमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं बट 172 पेजेस एंड सेम क्वालिटी मिलती है तो आई वुड सजेस्ट आप उनके साथ जाइए एंड अगर कोई छोटे बच्चे के लिए आप ये नोटबुक ले रहे हैं तो डेफिनेटली दिस कैन बी कंसिडर्ड। तो मैं मिलने वाला हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारा बेस्ट ज्योमेट्री बॉक्स कौन सा आप उसको ले लेनी चाहिए उसका वीडियो देख सकते हैं एंड नीचे आपको अपना एक और मनपसंद वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं गाइस कि आपको ये नोटबुक कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पर देखना चाहते हैं, मैं क्या चीज़ कंपैरिजन आपके लिए लेके आऊँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।